नमस्कार, वेलकम टू द पंचतंत्र फाइल्स। मैं आदर्श वाराहमिहिर। साल था 1989, पाकिस्तान का कराची शहर। एक लड़का 16 साल का पाकिस्तान के घातक गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान पर उतर रहा था। वकार यूनुस की तेज़ गेंद और उस लड़के के नाक पर जाकर लगी। आंखें काली पड़ चुकी थीं, खून कपड़ों से सन चुका था। तेजी से दौड़ते हुए फीजियो और नॉन स्ट्राइक इन पर खड़े सिद्धू दौड़ते हुए आए। सभी ने सलाह दी, तुम रिटायर हर्ट हो जाओ। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस लड़के ने कहा, मैं खेलेगा। एक ही शब्द को 3 बार रिपीट करने वाला यह लड़का आगे चलकर मास्टर ब्लास्टर बनने वाला था। 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाला या खिलाड़ी क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक्स में इतने पन्ने जोड़ने वाला था कि रिकॉर्ड बुक्स भी छोटे पड़ जाते। साल था 1998, शारजाह कप। सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के घातक गेंदबाजों के सामने 143 रनों की ऐसी पारी खेली जिसने हर क्रिकेट फैंस के रोंगटे खड़े कर दिए। इस पारी को डेजर्ट स्ट्रोम के रूप में जाना गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई इस महान पारी को वनडे इतिहास की सबसे बेहतरीन पारियों में शुमार किया जाता है। साल 2012, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। खेले गए मैच में सचिन ने 74 रनों की पारी खेली। ये सचिन की एक सामान्य पारी थी। ये मैच भारत और वेस्टइंडीज के बीच में सामान्य रूप से खेला जा रहा था, लेकिन यह सचिन की आखिरी अंतर्राष्ट्रीय पारी थी। उन्होंने मैच के बाद एक विदाई भाषण भी दिया। वो मैच इतना इमोशनल था कि पूरा स्टेडियम भावुक हो गया। पूरा मैदान सचिन सचिन की तेज आवाज़ों से गूंज रहा था। सचिन तेंदुलकर अपने 25 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह रहे थे।